हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक क्वेश्चन। अ पॉजिटिव चार्ज क्यू इज कैरिड स्लोली फ्रॉम पॉइंट एक्स टू पॉइंट वाई इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज कैपिटल क्यू द वर्डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, ऐसे वही डायग्राम दे रखा है। हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्मॉल क्यू चार्ज को एक्स से पी तक मूव कराने में एक्स टू पी वाई मूव कराने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा कितना बर्डन करना पड़ेगा, ये पूछा है। तो इसका फॉर्मूला होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखो फाइनल पॉइंट वाई है तो वाई माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट वाई माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू डब्लू एक्स टू वाई इनिशियल टू फाइनल एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया बर्डन डिवाइड बाई मूविंग चार्ज। यहाँ पे जो आता है मूविंग चार्ज आता है, मैं क्यू नॉट लिख लेता हूँ अभी। मूविंग चार्ज ये विद साइन लिखते हैं बेटा, विद साइन ऐसे। अगर चार्ज को जैसे यहाँ कह रहा है स्लोली मूव करा रहे हैं, तो स्लोली अगर मूव कराते हैं ना, वेरी स्लोली, तो चार्ज को अगर हम बहुत स्लोली मूव करा रहे हैं, क्यू चार्ज को ये मूव करा रहे हैं इसको वेरी स्लोली, इतना स्लोली मूव करा रहे हैं कि उस चार्ज की स्पीड कांस्टेंट रह रही है, दैट मीन्स एक्सेलरेशन जीरो है, काइनेटिक कांस्टेंट है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है, स्पीड कांस्टेंट है, काइनेटिक कांस्टेंट है, चेंज इन काइनेटिक जीरो है, तो बर्डन बाई वर्क एनर्जी थ्योरम से बर्डन बाई ऑल फोर्सेस, तो बर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट प्लस बर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा होगा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थर्म लगाई और डेल्टा के जीरो है, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल प्लस डब्ल्यू इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू जीरो एंड डब्ल्यू एक्सटर्नल इज इक्वल टू माइनस के डब्ल्यू इलेक्ट्रिक। तो अगर हम इलेक्ट्रिक वर्डन निकालते यहाँ पे इसकी जगह पे ले सकते हैं, तो डब्ल्यू एक्स टू वाई वर्डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई मूविंग चार्ज, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ये माइनस साइन आएगा, है ना, ये हमें इस तरह से याद होना चाहिए। अब हमें से तो यहाँ पे वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स पूछा है, तो ये वाला पूछा है बेटा, इसको सॉल्व कर लो। डब्ल्यू एक्स से वाई एक्सटर्नल एजेंट द्वारा किया गया वर्डन इज इक्वल टू मूविंग चार्ज एंड वी वाई माइनस वी एक्स। अब ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मूविंग चार्ज तो देखो क्यू है स्मॉल क्यू, और ये सोर्स चार्ज की वजह से पोटेंशियल होते हैं यहाँ, ये जो होते हैं जो पोटेंशियल होते हैं ड्यू टू सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज। तो करो मूविंग चार्ज तो स्मॉल क्यू है, तो क्यू लिख लो, विद साइन लिखते हैं तो पॉजिटिव है, जब वी लिख लिया वी वाई माइनस वी एक्स, वी वाई और वी एक्स निकाल लो। पॉइंट चार्ज की जैसे फॉर्मूला होता है, अगर कोई पॉइंट चार्ज है इसकी जैसे पी पॉइंट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, विद साइन लिखा जाता है, विद साइन। तो निकाल लेते हैं हम, यहां ऐसे कर देता हूं एक लाइन खींच के, एक लाइन में हो जाएगा। यहां पे सोर्स चार्ज जो है वो कैपिटल क्यू है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू फिक्स्ड है बेटा यहाँ पे, इसकी से निकालेंगे। ये तो मूविंग चार्ज टेस्ट चार्ज है ये, तो वी एक्स इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू ओवर एक्स पॉइंट पे निकाल लें, तो कितनी दूरी पर है बेटा ये कैपिटल क्यू से, ए, तो ए आएगा। ऐसे ही वी पॉइंट का पोटेंशियल निकालें वाई पॉइंट का ड्यू टू सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू, इसी क्यू के से वाई पॉइंट का पोटेंशियल निकालें, तो के कैपिटल क्यू कितनी सेपरेशन है कैपिटल क्यू से बी, इसीलिए बी आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों वैल्यू आप इस जगह पुट कर दो, क्यू और के की वैल्यू होती है 1/4 ε₀, चल बाद में लिख देंगे के कैपिटल क्यू बी माइनस के कैपिटल क्यू ओवर ए, के बाहर निकाल लें और क्यू भी कॉमन ले लें, तो के की तो वैल्यू हो गई कितनी 1/4 ε₀, कैपिटल क्यू भी कॉमन लिया, स्मॉल क्यू पहले से था 1/b माइनस 1/a, इतना बर्डन करना पड़ेगा।
इसका आंसर हो गया बी, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए आया है, तो ये हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।